रुख करते हैं यूपी के वाराणसी का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। जो है भगवा टोपियां भी हैं, साफा है, और इस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लंका चौक है, जहां से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला है। लंका चौक काफी फेमस है वहां पर, और लंका चौक की खासियत आरेंद्र ये भी है कि वहां पर जो है लंका चौक पे मिठाइयाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। वहां पर लंका चौक पर जो है आपको लस्सी बहुत बढ़िया मिलेगी। लोग लंका चौक पर विशेष रूप से रात को आते हैं लस्सी पीने के लिए, और लंका चौक पर लवंग लता वहाँ की एक खास मिठाई है बनारस की, उसको खाने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो लंका चौक की अपनी बहुत खासियत भी है, और क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के से जुड़ा हुआ इलाका है, तो वहाँ पर आपको रात 24 घंटे वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि लोग घूम रहे हैं, स्टूडेंट्स घूम रहे हैं, आराम से वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं इस तरह से, और राजनीति भी कर रहे हैं। लंका के चौक पर जो है आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स और बाकी आम लोग भी वहाँ चाय की दुकानों पर बैठ के खूब राजनीतिक बातचीत भी बहुत करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का काफिला वहाँ से शुरू हुआ है, और उनको वो विक्ट्री साइन बनाकर प्रधानमंत्री स्वीट हाउस लंका चौक से काफिला शुरू हुआ है। लंका चौक का जब जिक्र होता है तो जिक्र उस छात्र राजनीति का होता है, जो BHU के छात्र होते हैं और भी कई यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर पहुंचते हैं। काफी जमघट लगता है, लेकिन आज अलग तरह का जमघट लगा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ से रोड शो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। इससे पहले जनता जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो देख रही थी, तो वहां पर वो उम्मीदवारों को देखती थी, लेकिन यहाँ पर एक अलग माहौल में, अलग रंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। बतौर खुद वो उम्मीदवार यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। 2014 में जब वाराणसी आए थे तो कहा था माँ गंगा ने बुलाया है, और उसके बाद से ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से रिश्ता मजबूत होता चला गया। यहां से चुनावी सरजमी पर पैर रखते हुए जीत हासिल भी की थी। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, 2019 में जीते, प्रधानमंत्री बने, और अब तीसरे टर्म के लिए लगातार जनता से अपील भी कर रहे हैं। एक बार फिर वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का जब जिक्र होता है तो जिक्र यहाँ की संस्कृति का भी होता है, यहाँ के यूनिवर्सिटीज का भी होता है, और यहाँ के अनूठे उस समागम का भी होता है, जहाँ खान पान से लेकर वाराणसी और भी कई चीजों के लिए चर्चाओं में है। चर्चा माँ गंगा की भी होती है, और इन्हीं चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, जो लंका चौक से शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। होता जो आपने कहा होगी कि डबल इंजन की सरकार या फिर मोदी योगी की जोड़ी, क्योंकि बहुत कुछ 7-8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में और 10 वर्षों के लिहाज से देखा जाए तो बदला है, और जमीन पे बदलाव शायद इसीलिए सबकी चर्चा भी होती है। बिल्कुल, और चर्चाओं का सियासी शोर है, और सियासी शोर में सबसे ज्यादा बात उत्तर प्रदेश की इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, और जब 80 लोकसभा सीटें हैं, ये नंबर अपने आप में बहुत ही ज्यादा है, और 7 चरणों में हर चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो ही रहे हैं। यहां पर अलग अलग समाज के लोग पहुंचे हुए हैं, संस्कृतियों का समागम भी हो रहा है, सभ्यताओं का भी समागम हो रहा है, और इन संस्कृतियों की झलक संगीत के जरिए भी, नृत्य के जरिए भी प्रस्तुत की जा रही है। जोश और उत्साह लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, अभी अभी तो आगाज हुआ है, और इस आगाज के साथ ही उत्साह और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी से सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2014 में जीते, 2019 में जीते, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते, और अब एक बार फिर वाराणसी की जनता के बीच हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और यहाँ पर जो आरती का माहौल है, भक्ति का माहौल भी है और कार्यकर्ताओं की शक्ति भी है, और जो भक्ति और शक्ति का मिलाप होता है तो अनूठा संगम दिखाई देता है। कुछ ऐसा ही संगम यहाँ पर इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक तरफ आम जनता का उत्साह है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समावेश है और नारों की गूंज भी है, पोस्टर भी लगे हैं, बैनर भी लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, जगह जगह लोग खड़े नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग शैली के जो नृत्य शैली आप देख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक स्वागत करने का तरीका होता है। उत्तर प्रदेश की सरजमी से नृत्यों के जरिए, गीतों के जरिए स्वागत करने का अपना एक अनूठा अंदाज होता है। कुछ ऐसा ही अंदाज इस वक्त वाराणसी में देखने को मिल रहा है।